नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लाउड किचन के बारे में। हम लोग सीखेंगे कि क्लाउड किचन किस प्रकार से काम करता है, ताकि आप जब भी अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करें, चाहे घर से कॉमर्शियली कैसे भी, तो आपको पता हो ये पूरी की पूरी चीज़ें किस प्रकार से होती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने तीन आइडेंटिटीज़ ली हैं। एक हमारे कस्टमर हैं, कस्टमर हम भी हो सकते हैं, कोई भी हमारा कस्टमर हो सकता है जो कि खाना ऑर्डर करेगा। दूसरा यहाँ पे रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन होते हैं। रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन एक ही आइडेंटिटी है। एक रेस्टोरेंट क्लाउड किचन भी हो सकता है और एक क्लाउड किचन रेस्टोरेंट भी हो सकता है। तीसरा यहाँ पे होते हैं हमारे डिलीवरी पार्टनर्स। डिलीवरी पार्टनर्स का मतलब होते हैं कि वो एप्लीकेशन जो हमारे खाने की डिलीवरी भी करती हैं। कई कई सारे ऐसे पार्टनर्स भी हैं जो हमारे खाने की डिलीवरी नहीं करते हैं, सिर्फ वर्चुअली वो हम लोगों को ऑर्डर वहाँ पे जो प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कि क्लाउड किचन क्या होता है और इसके और क्या क्या नाम है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। क्लाउड किचन को हम लोग गोस्ट किचन भी कहते हैं, वर्चुअल किचन भी कहते हैं, ठीक है जी। और भी कई सारे नाम भविष्य में आपको पता चले वो भी आ सकते हैं। तो बेसिकली क्लाउड किचन, वर्चुअल किचन या फिर गोस्ट किचन, या आप बोल सकते हैं एक ऐसा किचन जो कि फिजिकली अवेलेबल नहीं है, पर तब भी कस्टमर वहाँ से खाना अपना ऑर्डर कर सकता है या कर पाता है। अब यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो भी हमारे क्लाउड किचन हो सकते हैं। अगर कोरोना की बात करें या लॉकडाउन की बात करें, तो अगर लॉकडाउन लगा भी पड़ा है तब भी रेस्टोरेंट अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं क्लाउड किचन के अंदर और जो कस्टमर्स के ऑर्डर ले सकते हैं। अगर पहले के समय की बात करें तो क्लाउड किचन तब भी चलते थे, पर वो प्रॉपरली नहीं थे, या हम बोल सकते कि हम उस टर्म का ही यूज़ नहीं करते थे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कस्टमर हमको कॉल करके, हमें हमारा मेन्यू देख के हमसे खाना मंगाता था और हम उसके खाने को उसके घर पे डिलीवर करते थे और उससे पैसे ले लेते, चाहे हम लोग कैश ले रहे हो चाहे अकाउंट में ले रहे हो। पर वहीं अब ये सारी की सारी सुविधाएं जो ये डिलीवरी पार्टनर्स हैं, इनके द्वारा इनकी ऐप पे कर दी गई हैं और इसको एक प्रॉपरली सेगमेंट ही बन गया है हमारा यहाँ पे क्लाउड किचन या फिर वर्चुअल किचन या फिर गोस्ट किचन। अब यहाँ पे जो भी कस्टमर होता है उसको खाना ऑर्डर करना होता है। अब वो खाना ऑर्डर करने के लिए रेस्टोरेंट के पास ही जाएगा बेसिकली, पर यहाँ पे जो रेस्टोरेंट होता है, स्पेशली अगर हम लोग क्लाउड किचन की ही बातें करेंगे यहाँ पे, तो क्लाउड किचन के जो भी मेन्यूज़ होते हैं वो सारे के सारे उसको नज़र आते हैं इन डिलीवरी पार्टनर्स की ऐप पे। स्विगी और जोमैटो इस समय सबसे बड़े प्लेयर हैं, इनकी खुद की ऐप है, खुद की वेबसाइट है, और अगर आप देखेंगे इंडिया में हर कोई इनको जानता है। पर ये भी है कि कई इंडिया में ऐसे कई शहर हैं जहाँ पे भी अभी भी स्विगी और जोमैटो नहीं पहुँच पाया है, तो अभी भी पोटेंशियल आप लोग बोल सकते हैं। तो स्विगी और जोमैटो की ऐप पे सारे के सारे जो रेस्टोरेंट है वो लिस्ट होते हैं। अब अगर आप एक क्लाउड किचन चला रहे हैं तो आपको अपने आप को जो लिस्ट करना होगा स्विगी और जोमैटो पे, इसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। आपके पास फसाई लाइसेंस होना चाहिए, जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी। आपके पास अपनी एक अच्छी हाइजीनिक किचन होनी चाहिए, आपको बेसिक्स के बारे में पता होने चाहिए, और अपना बैंक अकाउंट और मेन्यू होना चाहिए, बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। अब ये चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं आपके डिलीवरी पार्टनर को। इसके बाद आपको अपने लिए खुद अपनी जो कॉस्टिंग्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको अपनी कॉस्टिंग्स वगैरह नहीं पता होगी तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई आप अपने डिशेस की प्राइसेस कैसे करें, कब कस्टमर को डिस्काउंट दें, कितना डिस्काउंट दें, फेस्टिवल्स के समय किस तरीके से चीज़ें करें। और अब आपको अपना एक स्टोर रेडी करना होता है इनके प्लेटफॉर्म पे। अच्छी फ़ोटोज़ लगानी है, अच्छे डिस्क्रिप्शन लगाने, सही प्राइस रखने हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करनी है ताकि कस्टमर आपसे ऑर्डर करें। जब यहाँ पे रेस्टोरेंट और जो पार्टनर्स के बीच में डील हो जाती है, परसेंटेज की डील हो जाती है कि भाई जो भी कस्टमर ऑर्डर करेगा उनके प्लेटफॉर्म से, तो लगभग इतना परसेंट जो अपनी ये कमीशन का ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्विगी जोमैटो होते हैं वो आपकी खाने को भी डिलीवरी कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपकी सरदर्दी नहीं है कि भाई खाना कौन लेके जाएगा, आपको सिर्फ एक अच्छा हाइजीनिक खाना बनाना है, अच्छे से उसको पैक करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हमारे यहाँ पे स्विगी जोमैटो की। जब कस्टमर को भूख लग रही है, वो ऐप निकाल रहा है स्विगी जोमैटो की और वो देख रहा है कि भाई मुझे क्या क्या ऑर्डर करना है, वो उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर देता है और उसके बाद वो सारे के सारे नोटिफिकेशन हमारे डिलीवरी पार्टनर्स को जाती हैं कि भाई इन्होंने खाना ऑर्डर कर दिया है। और सेम नोटिफिकेशन हमारे रेस्टोरेंट्स को भी जाती है, वो वहाँ पे उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई चलिए हमने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है, और खाना बनाना चालू कर देते हैं।
जब उनका खाना रेडी हो जाता है तो वहाँ पे भी एक इंडिकेशन बटन होता है कि भाई आपका खाना रेडी हो गया है, पहले प्रिपेयर होता है फिर रेडी होता है। उसके बाद जो ये डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं वो रेस्टोरेंट पे जाके खाना पिक करते हैं और वो कस्टमर को देके आ जाते हैं। यहाँ पे जो पेमेंट होती है डिजिटल मोड पे भी होती है, फिजिकल मोड पे भी होती है, सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आजकल तो जो नॉन कॉन्टेक्टलेस डिलीवरीज होती हैं उसको ही प्रेफरेंस दी जा रही है कि भाई आप पहले से ही पैसा पे कर दीजिए या हम जो भी पैसा आपको पे करेंगे वो डिजिटल फॉर्मेट में ही करेंगे, जो कि अच्छा भी है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ से काम करता है और आप लोग भी चाहे तो अपना जो क्लाउड किचन वगैरह यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने प्रोग्राम भी चलाया हुआ है। बाकी ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको और भी डेप्थ में जानना है कि भाई कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, हमारा प्रोग्राम है हाउ टू स्टार्ट क्लाउड किचन, आप उसको इनरोल कर सकते हैं। साइड में यहाँ पे उसका बैनर भी चल रहा होगा, आप इसमें और भी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। इसमें आपको वीडियोज़ भी मिल जाती हैं, साथ साथ आपको पूरी एक बुकलेट मिल जाती है और साथ साथ आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट रह के भी ये सारी की सारी चीज़ें सीख सकते हैं आफ्टर इनरोलमेंट ऑफ कोर्स। तो बहुत ही अच्छा आप बोल सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप एक स्टार्ट करने की सोच रहे हैं क्लाउड किचन को। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप नीचे वीडियो के नीचे जरूर मेंशन कीजिएगा या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा ताकि हम उन सब चीज़ों का आपको सोल्यूशन दे पाए, क्योंकि ये भी एक प्रकार की ऑनगोइंग इंडस्ट्री है। इसमें भी नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। तो जो भी आप लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं उनको समझना और उनका आंसर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी क्वेश्चंस को कमेंट्स नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।